प्रमेय एक। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। प्यारे बच्चों, हम प्रमेय एक पर बात करने जा रहे हैं। इस प्रमेय को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से जाना जाता है। प्रमेय के अनुसार यदि कोई त्रिभुज एबीसी हमारे पास है और इनमें से किसी एक भुजा, मान लें भुजा बीसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, बीसी के समानांतर कोई एक रेखा खींची जा रही है डीई, जो शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर एबी और एसी भुजा को ये रेखा क्रमशः डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस स्थिति में हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है क्रमशः डी और ई, वो त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम आगे चले, हम ए डी और डी बी का अनुपात ए ई और ई सी के अनुपात के साथ मिलाकर देखेंगे और ये देखेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए इसके लिए हमें कुछ रचना करनी होगी। रेखा, मान लीजिए इस रेखा को हम नाम L दे दें, तो रेखा L भुजा AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है और ये जो रेखा L है वो आधार BC के समानांतर है। तो ऐसी स्थिति में हम जब इन दोनों भुजाओं के टुकड़ों का अनुपात निकालना चाहते हैं तो हमें इनके क्षेत्रफल की मदद लेनी होगी, और क्षेत्रफल निकालना है इन त्रिभुजों का तो हमें एक ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ई से ए बी पर एक लंब डाला जो ई एन है और उसी तरह से डी से ए सी पर एक लंब डाला जो डी एम है। तो ये हमने दो लंब खींचे ई एन और डी एम क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर। तो अब हम इन दोनों भुजाओं से संबंधित त्रिभुजों के बारे में गौर करें। आप देखिए भुजा ए डी एक त्रिभुज बनाती है ए डी ई, जो काले रंग का ऊपर का त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है एक त्रिभुज ए डी ई है, और वैसी भुजा डी डी बी जो है वो एक दूसरा त्रिभुज बनाती है ई के साथ ही, वो त्रिभुज है डी बी ई। अब देखिए इसमें एक लाल रंग की रेखा दिखाई पड़ रही है और ये दो काली रेखाएं हैं, तो ये डी बी ई दूसरा त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल की हम तुलना करते हैं तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल के लिए हम लिखें एरिया, और कोष्टक में त्रिभुज का नाम लिखें तो पहला त्रिभुज है ए डी ई, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या मिलेगा हमको, देखिए इस त्रिभुज ए डी ई का आधार हम ए डी माने तो ऊंचाई ई एन होगी, तो हम लिख सकते हैं एक बटे दो गुणित आधार ए डी गुणित इसकी ऊंचाई ई एन हम लिखें, तो ये आपको मिला त्रिभुज ए डी ई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला। इसी तरह से आप इस भुजा से संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो ये त्रिभुज होगा डी बी ई, तो हम लिखें एरिया त्रिभुज डी बी ई, ये बराबर होगा एक बटे दो और हम इसका आधार मानेंगे डी बी को, तो आधार हो गया आपका डी बी और इसकी ऊंचाई भी वही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये त्रिभुज है और इसकी इसकी आधार भुजा शीर्ष की जो लंबवत दूरी है वो ई एन से प्रदर्शित हो रही है, तो हम ई एन को ही ऊंचाई कहेंगे, तो ये हो गया ई एन। अब हम पहले वाले क्षेत्रफल में दूसरे वाले क्षेत्रफल का भाग दे दें, मान लीजिए इसको आप कथन एक कहते हैं और इसको कथन दो कहते हैं, तो हम एक में दो का भाग दे दें तो हमको मिलेगा एरिया ए डी ई बटे एरिया डी बी ई, एरिया ए डी ई और एरिया डी बी ई बराबर यहाँ आपको मिलेगा एक बटे दो गुणित ए डी गुणित ई एन पूरे का बटा एक बटे दो गुणित डी बी गुणित ई एन। आप देखिए कुछ चीज़ें जो बराबर हैं कैंसिल हो जाएंगी,
ई एन भुजा ई एन यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आपके पास ए डी बटे डी बी, इसको आप लिख लें ए डी बटे डी बी आपको मिला। यहाँ पर आप देखिए ए डी बटे डी बी यहाँ पर भी है और वही चीज़ आपने यहाँ पर प्राप्त की जो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में है। अब आप इस भुजा की तरफ आइए और देखिए कि जो चीज़ हमने यहाँ पर की वैसे यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ जो पूरी की पूरी भुजा ए सी है वो दो हिस्सों में बटी है, ए ई और ई सी। ए ई से संबंधित त्रिभुज वही है जो पहले आपने लिया था ए डी ई, तो ये एक त्रिभुज ए डी ई जो आपने पहले लिया था वही है यहाँ पर, और दूसरा त्रिभुज जो इससे संबंधित है वो है ई बी सी। ये देखिए आप एक लाल से ऐसे बन रहा त्रिभुज ये वाला, और ये दोनों रेखाएं आपको दिख रही हैं। तो हम इन दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे क्षेत्रफलों की। तो फिर से हम लिखेंगे क्षेत्रफल या एरिया ए डी ई बटे एरिया या क्षेत्रफल इससे संबंधित त्रिभुज, इस भुजा से, ये है ई डी सी। ई डी सी बराबर, देखिए आपने इसका क्षेत्रफल जब लिया था तो पहले बार इसको आपने लंब के रूप में लिया था और अब की बार आपको लंब के रूप में डीएम को लेना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, अब की बार आधार आपका होगा ए ई, तो आप लीजिए एक बटे दो गुणित आधार ए ई गुणित इसकी ऊंचाई डीएम के बराबर होगी। तो ये आपने डीएम लिखा बटे इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं ई डी सी, तो ई डी सी का आधार है ई सी, तो आप लिखेंगे एक बटे दो गुणित ई सी गुणित इसकी ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई, आधार को आगे बढ़ाया और यहाँ से आपने शीर्ष से लंब डाला तो आपको डीएम मिल रहा है, तो यहाँ पर ऊंचाई इसकी भी डीएम होगी। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा, फिर से इसको हम लिख लें एरिया ए डी ई बटे एरिया ई डी सी, एरिया ए डी ई और बटे एरिया ई डी सी बराबर है। देखिए बराबर चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, एक बटे दो ऊपर नीचे में है कैंसिल हुआ, डी एम जो लंब है वो दोनों में कॉमन है ये भी कैंसिल हुआ, और आपके पास बचता है ए ई बटे ई सी। आप देखिए ए ई बटे ई सी यहाँ पर आपने लिखा है, तो आपने इन दो त्रिभुजों की तुलना करके इस अनुपात को प्राप्त किया और इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करके इस वाले अनुपात को यहाँ पर प्राप्त कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें आपको बराबर करनी है, उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पर तो त्रिभुज ए डी ई यहाँ भी है, त्रिभुज ए डी ई यहाँ पर भी है, तो ये दोनों अंश तो बराबर हैं, लेकिन अब हर के बारे में क्या कहते हैं। एक जगह आपके पास त्रिभुज है ई डी बी जो यहाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, डी बी ई या ई डी बी आप कह सकते हैं इसको, और दूसरा त्रिभुज है ई डी सी, ई डी सी ये त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। इन दोनों के क्षेत्रफल के बारे में हमको देखना है क्या ये बराबर हैं आपस में। तो जरा गौर करिए, त्रिभुज ई डी बी और त्रिभुज ई डी सी, इन दोनों त्रिभुजों में आधार आप देख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों का आधार ई डी है या डी आप कह सकते हैं इसको, और ये दोनों समानांतर रेखाओं के एक जोड़े के बीच ही निर्मित हैं। और आपको याद होगा कि आपने एक प्रमेय पढ़ा था कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। उस आधार पर आप कह सकते हैं कि डी बी ई ये वाला त्रिभुज जो है, लिखें आप त्रिभुज डी बी ई बराबर क्षेत्रफल में आप एरिया लिख सकते हैं, यहाँ पर एरिया डी बी ई बराबर एरिया ई डी सी, इस त्रिभुज का एरिया भी बराबर होगा, त्रिभुज ई डी सी। फिर से एक बार देख लीजिए, त्रिभुज डी बी ई की हम बात कर रहे हैं, डी बी ई और त्रिभुज ई डी सी, ई डी सी इन दोनों त्रिभुजों को बात कर रहे हैं जो यहाँ पर हैं, त्रिभुज ई डी सी यहाँ पर है और त्रिभुज डी बी ई यहाँ पर है, अंश में दोनों में ए डी ई ए डी ई हैं। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जब दो भिन्नों में अंश एक बराबर है और हर का मान भी बराबर है, उन दोनों स्थितियों में आप कह सकते हैं कि ये दोनों राशियां बराबर हैं। तो आप इसको लिख लें इस कथन के आधार पर, ये कथन है एरिया ए डी ई, ए डी ई बटे एरिया ई डी सी
बराबर एरिया ए डी ई बटे एरिया डी बी ई। यानी आपने इस कथन को, मान लीजिए आपने कथन तीन कहा है और इसे आपने यदि कथन चार कहा है, तो कथन तीन और चार के बाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि उनके दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं, इसके आधार पर आप लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर, यहाँ से आपको मिलेगा ए ई बटे ए सी। आप देखिए यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पर आपने लिखा था ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी, यानी इस त्रिभुज में ए डी और डी बी का जो अनुपात है वही अनुपात ए ई और ई सी का है। तो ये बात सिद्ध होती है, यदि किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समानांतर है, तो शेष दो भुजाओं को यदि वो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो जिस बिंदु पर वो शेष दो भुजाओं को काटती है वो बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी डी ने पूरे ए बी को दो ऐसे टुकड़े में बांटा जिनका अनुपात ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी के। तो ये प्रमेय आपका सिद्ध हुआ। इस प्रमेय को हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से जानते हैं। बच्चों ये प्रमेय आपको आगे बहुत सारे जगहों पर उदाहरणों को हल करने में और नए प्रमेय सिद्ध करने में मदद करेगा। तो एक बार गौर से इसको देखिए और आप इसे बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।